अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और यहाँ पे सब आई ना चेक कर रही थी अपना वेट, और सारे हमारा अपना चेक कर रहे थे वेट। ना अभी ना था, लेकिन ये अच्छी बात थी कि बैठ के मेहनत कर रहा है और मांग नहीं रहा लोगों से। और इसके जो वेट करने की प्राइस थी वो भी बहुत कम थी, सिर्फ ये 10 रुपीज़ में कर रहा था वेट। और ऐसे लोग जब मेहनत कर रहे हों तो उनसे ज़रूर वेट करवा लेना चाहिए। ये और बात है, हमारे घर में मशीन है, हम लोग डेली तकरीबन वेट कर रहे होते हैं। और हम सैर सपाटे पे आ चुके थे और सबाइना जो है लाइन के पास गई थी। और लाइन के पास क्या कर रही थी आप? पिक्चर ले रही थी और मैं बोल रही थी लाइन क्या करे। और जब आप छोटी होती थी आप कहती थी बाबा बै बाबा बै, आपको पता ये बात जी? और मैं तीसी होती थी, अंदर जाकर रॉकेट भी खेल रही थी। अच्छा, रॉकेट भी खेल रही थी, जबरदस्त। तो यहाँ पर हो रहा था बच्चों का फुटबॉल प्रैक्टिस मैच, तो नहीं कहेंगे प्रैक्टिस कहेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपको ये ग्राउंड दिखाएंगे फुटबॉल जहाँ पे हो रहा था, और इधर इसकी जो पार्टीशन थी वो भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले वेट वाली मैं एक बात करना चाहूँगी। हम जब शाम में वापस जा रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा जो है वेट मशीन वाले बंदे से लड़ रहा था और उसको कह रहा था तू मुझे जो है ना पैसे वापस कर, तू मुझे पैसे वापस कर। तो खैर दूर से हम लोग देखते आ रहे थे कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम पास गए तो पता लगा कि उन दो लोगों ने वेट किया था और वो चाह रहे थे कि जो हम लोग हैं ना मतलब 10 रुपये दें और 20 रुपये ना दें। ये हद नहीं होगी, वो पहले इतने कम पैसे ले रहा और आप उसे 10 रुपये पे लड़े। तो मेरे हबीब भी यही कह रहे थे कि ये देखो ये बंदा जो है किस तरह से लड़ा, और वो था भी अफगानी और वो उसको कह रहा था कि मैं मुहाजिर हूँ तो तुम मुझे जो है ना कम करो, कम दो। उसने कहा मैं भी अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, आप कैसी बात करें। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे देखो ऐसे लोगों की खुददारी पे भी बात ना है, और बंदा चुप करके 10-20 रुपये भी एक्स्ट्रा दे दे, या जितनी भी इस्तेदात है उन्हें एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन वो कम से कम काम तो कर रहे ना, वो बैठा हुआ तो है ना। मैं लगे खाना, ये देखें आप क्या चोरी बना लिए, तुम कैसी सारे सबने उसने बॉल पे जंप मार दिया। हेलो पिच्चू, अच्छा वालेकुम। पिच्चू ने जाना है खेल करने। हेलो पिच्चू, हाउ आर यू, आप कैसी हो? आप ब्लॉग बना रही हो? पिच्चू का ये ड्रेस मामा ने बनाया था, ये ड्रेस कैसा लग रहा है पिच्चू को, जल्दी जल्दी से बता दे। अभी है फोन, अभी हमें छोड़ के गया, हम अकेले बैठे हुए हैं इधर, हमारे पास कोई भी नहीं है। गुच्ची 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 गुच्ची, चुटकी बजाओ चुटकी बजाओ, चलो चुटकी। लोग इस टाइम पे हुए हुए हैं पागल झीलों के लिए। सबाइना मैडम तो फुल एंजॉय कर रही थी, कभी इधर बाबा को लेके जा रही थी झूले लेने के लिए, कभी उधर। डू यू लाइक इट? अच्छा बाइना, तो आपको पार्क क्यों अच्छा? इसलिए लगता है कि ना मैं ना उसमें मजे करती हूँ, झूले लेती हूँ, मजे करती चीजें खाती हूँ, बिरयानी भी नहीं खाती और गोलगप्पे खाती हूँ। और ये यहाँ पे आ गई फिल्जू, और ये है बाबा के पास, मजे ले लिए ठंडी ठंडी वहाँ पे, और इसने और ये मैं आ गई हूँ, ये मैं आराम से खा रही हूँ, ले यम यमी। और शेयर भी करें।
टिकट भी और बाइना की सारी वीडियो देखें और सारी और शादी के भी शादी की भी ओके। फिलजू बाबा के पास है और वो बहुत तंग हो गई है ना। फिलजू हमारी किसके पास है बाबा ये देखो बाबा फिलजू को भी लिए ये। हेलो फिलजू हेलो कर दो हेलो बाय बाय कर दो बाय बाय फिलजू बाय बाय कर दो फिलजू बाय बाय कर दो बाय बाय। फिलजू आप ही का बैंड है देखने में मस्त रूप है। फिलजू को बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिलजू ने बैंड लेना चाहिए फिलजू को चलो के लिए। अब थोड़ी थोड़ी रात होना शुरू हो गया। आपका दिल नहीं कर रहा था पार्क से आने का? कर रहा था। फिर आप क्यों नहीं जा रही थी? मैं थोड़ा सा तो जा रही थी लेकिन किसी ने मुझे जाने नहीं दिया और ये मैं जा रही हूँ अपने घर। जिस जिसने क्या खानी वो इधर से आके खा ले। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे? चाट गोलगप्पे। बाइना गोलगप्पा है? डू यू लाइक इट गोलगप्पे? हम लोग जा रहे मम्मी के घर बचपन के। हम लोग हमारा प्यार है और ये आ गया फिर जो आमिर मामू के पास। इतनी मजे मजे से हमने फिर की थी आइसक्रीम पार्टी। फिलजा तो आइसक्रीम के मजे ले रही थी वो तो चुटकी बजाना भूल गई थी। फिर वीडियो को जाके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फिया मानेला। अल्लाह हाफिज़ फिया मानेला। टेक केयर बाय बाय। ओके बाय बाय फिया फिया।